हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 हाईएस्ट बजट अपकमिंग बॉलीवुड एंड टॉलीवुड मूवी के बारे में बताने वाला हूं। तो ये मूवी 2022 और 2023 में रिलीज होने वाली है। साथ ही इन सभी मूवी के बजट और रिलीज डेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं हमारे टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 5 की मूवी से। तो जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है शमशेरा और ये बॉलीवुड का अपकमिंग मूवी है जो एक एक्शन और थ्रिलर मूवी होने वाला है। और इसके लीड रोल में नज़र आएंगे रणवीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर। साथ ही इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो अप्रोक्स 150 से 160 करोड़ के बीच में बनने वाला है। इस फिल्म का अभी तक तो कोई ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ है, बट इस मूवी का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है। आप चाहे तो इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। और जैसा कि इस फिल्म को डायरेक्टर करने वाले हैं करण मल्होत्रा, जिन्होंने इससे पहले ब्रदर, अग्निपथ जैसे फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे चौथे नंबर के फिल्म के बारे में। ये जो हमारे चौथे नंबर का फिल्म होने वाला है, इस फिल्म का नाम है विक्रांत रोना, जो कि एक साउथ का थ्रिलर और फैंटेसी मूवी होने वाला है। इसके स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो किच्चा सुदीप और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नज़र आएंगे। इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो ये कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, बट 300 करोड़ तक के बजट में बन सकता है। साथ ही इस मूवी का टीजर हमें कुछ ही दिन पहले देखने को मिल गया था, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि यह मूवी हॉलीवुड लेवल की मूवी बन सकती है। और ये फिल्म भी ऑफिशियली 28 जुलाई 2022 में रिलीज होने वाली है, जिसे आप थिएटर में हिंदी डब में देख सकते हैं। इस मूवी का टीजर रिलीज होते ही रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा आया था, बट देखना होगा कि ये मूवी रिलीज होने के बाद क्या आने वाला टाइम पे हॉलीवुड मूवी को टक्कर दे सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर की मूवी के बारे में। इस मूवी का नाम है सलार। ये भी एक साउथ का एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाला है जो एक्शन और वायलेंस से भरा होगा। साथ ही इस मूवी के लीड रोल के बारे में बात करें तो बाहुबली प्रभास, पृथ्वीराज, श्रुति हसन और जगपति बाबू जैसे लेजेंड एक्टर भी नज़र आने वाले हैं। इस मूवी को कहा जा रहा है कि यश की आने वाली फिल्म KGF 3 से जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं जो KGF मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस वजह से लोगों का कहना है कि KGF और सलार का एक दूसरे से कनेक्ट होना तो लाजमी सी बात है। बट इस मूवी का डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये मूवी जल्द ही आपको 2023 में देखने को मिल सकता है। यही अगर इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो 200 करोड़ तक में ये मूवी बनने वाला है, यह तो 100% कंफर्म है। और इस मूवी का डायरेक्टर प्रशांत नील है, तो इस मूवी में आपको वर वर के वायलेंस और एक्शन सीन दिखने वाले हैं। अब तो ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि KGF और सलार मूवी में क्या कनेक्शन है या नहीं है। तो ये था हमारे तीसरे नंबर का मूवी। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे नंबर की मूवी के बारे में। ये मूवी एक बॉलीवुड का फैंटेसी एडवेंचर मूवी होने वाला है। इस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र Part 1 शिवा। जैसा कि इस मूवी के टाइटल में ही Part 1 नज़र आ रहा है, तो इस मूवी का Part 2 बनेगा, ये तो कंफर्म है। और इसके लीड रोल में रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन और साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन भी नज़र आने वाले हैं। और साथ ही इस मूवी में कहा जा रहा है कि शाहरुख खान भी एक गेस्ट अपीयरेंस के रोल में कैमियो करने वाले हैं। और इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो 300 करोड़ से भी ऊपर होने वाला है। और ये मूवी हम लोगों को 9 सितंबर 2022 को थिएटर में देखने को मिल सकता है। इस मूवी का पहला टीजर रिलीज हो चुका है, अब बस इस मूवी का ट्रेलर का आना बाकी है। तो गाइस फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे टॉप 5 के लिस्ट में नंबर 1 पे हाईएस्ट बजट वाली मूवी के बारे में। इस मूवी का नाम है आदि पुरुष। इसके लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और कृति सनोन भी दिखने वाली है। तो बेसिकली ये मूवी हमारे हिंदू माइथोलॉजिकल के ऊपर बनने वाला है, जो रामायण से आधारित होगा। इस मूवी में हमें प्रभास भगवान श्री राम के कैरेक्टर में दिखेंगे और साथ ही सैफ अली खान दशानंद रावण और कृति सनोन सीते माता के रोल प्ले करते दिखने वाली है। साथ ही इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट 500 करोड़ से भी ज़्यादा होने वाला है। जैसा कि इस मूवी का बजट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको 3D और 3D IMAX में भी रिलीज किया जा सकता है। ये मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये मूवी 11 अगस्त 2022 को ही रिलीज होने वाला था, लेकिन आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की वजह से पोस्टपोन किया गया था। और फाइनली इस मूवी का रिलीज 12 जनवरी 2023 को अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर नहीं चाहते हैं कि इतनी बड़ी बजट में बनने वाली मूवी किसी भी मूवी से क्लैश करे।
मेरे हिसाब से आदि पुरुष मूवी प्रभास का करियर का सबसे बेस्ट मूवी होने वाला है। हालांकि इससे पहले इन्होंने बाहुबली जैसे मूवी पे काम कर चुके हैं, लोगों को काफी पसंद भी आया था। तो गाइस यह था टॉप 5 के हाई बजट मूवी जिसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत डिटेल्स दे दी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ऐसे ही मूवी या सीरीज से कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।